ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के उच्च उच्चाई क्षेत्रीय केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव सीके मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया। इस मौके पर उनके द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र जीव कोष भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर यशवंत सिंह परमार के कुलपति और शूलनी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हुए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के उच्च उच्चाई क्षेत्रीय केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव सीके मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया। इस मौके पर उनके द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र जीव कोष भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर यशवंत सिंह परमार के कुलपति और शूलनी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हुए। फोनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव सीके मिश्रा ने बताया कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण केंद्र द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के सभी वैज्ञानिक हिमालय में बसे जीव जंतुओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं, उन जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जैव विविधता बेहद पाई जाती है, इसलिए इस केंद्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हिमाचल में इस तरह के केंद्र और स्थापित हों ताकि जीव जंतुओं को लेकर ज्यादा खोज हो और उनकी बेहतरी को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा सके। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय है और यहाँ सारे वैज्ञानिक मिलकर ट्रांस हिमालयन रीजन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके स्पेसिमिन कलेक्ट करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उसको उसके प्रिजर्वेशन की दिशा में क्या कार्य होना चाहिए वो करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है और इस तरह का सेंटर यहाँ होने से यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्स है उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। और आज मैं इसीलिए आया हूँ ताकि इस क्षेत्र में इस प्रकार के सेंटर्स की और स्थापना हो, यहाँ और स्टडीज़ हों और यहाँ की बेहतरी के लिए जो कार्य हो सके हिमाचल रीजन में पर्टिकुलरली वो हम कर सकें। तो ये था आज का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचयूएल के साथ। नमस्कार।